सो हे व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं वापस आ चुका हूं पोकेमॉन यूनाइट का और एक अमेजिंग सा गेम प्ले लेके। वेल, इस वीडियो में मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ऑलराउंडर चैलेंज कर रहा था, जिसमें हर किसी को ऑलराउंडर चलाना पड़ेगा ऑब्वियसली। बट ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरा 7वां अटेम्प्ट है, क्योंकि उससे आगे वाले हर एक मैच में कोई ना कोई कुछ और ले रहा था। एक बंदा तो पर्पल के नाम पे गेंगा ले लिया था। और गाइस, इस वीडियो में ना किसी के गेम प्ले को जज मत करना, क्योंकि हम सभी अननेसेसरी एक दूसरे को टारगेट करके खेल रहे थे, क्योंकि हम सभी डिस्कॉर्ड में बैठे थे, तो ऐसे ही मजा आ रहा था। तो आई होप यू एंजॉय। अभी जब हमारी टीम से ना जंगलर, हम लोगों ने ड्रैगनेट को पिक किया था, क्योंकि वो हर एक ऑब्जेक्टिव में ना अपने हाइपर बीम से बहुत डिसेंट लास्ट हिट दे देता है। और हमारे ड्रैगनेट वाले बंदे के साथ ना बस एक ही पंगा है भाई, वो मैच के अंदर जाके रोता बहुत है। हम लोग यहाँ पे 10 जन बात कर रहे थे, और अगर मैं एक मिनट के लिए वॉइस ओवर करना बंद कर दूंगा ना, तो तुम्हें बस उसी का आवाज आएगा। और एक तो तुम्हें पता है कि चारिज़ार्ड के साथ क्या पंगा है, वो हेड ऑन फाइट कभी भी बजोल, सरीना, सीजर या तो अजुमरिल जैसे पोकेमॉन्स के साथ ले ही नहीं पाता है। जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो कि मैच के स्टार्टिंग में मैं और माचे मार जाता है टॉप लेन में, एंड वहां पे हम लोग ठीक ठाक तरीके से अपने वेस को होल्ड कर लेते हैं। बट यहाँ पे लेवल अप करने में मैंने जो स्ट्रगल किया है ना, मतलब 4 मिलियन तो मैं मुश्किल से बनाऊ, एंड 40,000 तो तुम भूल ही जाओ। हमारा जंगल टॉप लेन में आती, हम लोग सबसे पहले तो अपोजिंग टीम के बंदों को मार लेते हैं, उसके बाद सेंट्रल बेस लेने के बाद स्कोर करने चले जाते हैं। और यहाँ पे मैं बोल रहा था कि मेरे को स्कोर करने थे, उसके बाद तू ओवर कैप कर लेना, लेकिन भाई ये बंदा ना आंख से कम सुन पाता है। एनिमीज का टॉप बेस खाली करने के बाद हम लोग लग जाते रेजिलिक को मेल्ट करने के लिए, एंड हम लोग जब ऑलमोस्ट रेजिलिक को सिक्योर कर लिए थे, उस टाइम आता है अपोजिंग टीम का लुकारियो। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बॉटम लेन में थोड़ा बहुत कवर अप करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आके ना मैं एक गलती कर देता हूँ। मैं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस पाने के चक्कर में स्कोर करने के लिए स्पैम कर रहा था, एंड जिस चक्कर में ना हम लोग यहाँ पे फाइट हार जाते हैं। वैसे सीजर को तो हम लोगों ने मार लिया था, लेकिन उसके बाद सरीना आके थोड़ा दिक्कत कर गया। एनीवेज, यहाँ से पिट के रिस्पॉन होकर वापस आते वक्त मैं रस्ते में 40,000 बनी जाता हूँ, और उस पॉइंट पे ना मैं भाई यूनिट मूव चलाने के लिए तरस रहा था, और इसलिए शायद आते ही मैंने सरीना को अपना यूनिट मूव दे मारा। अब यहाँ पे ना हम लोग दो गलती करते हैं। पहली, जो मैंने यूनिट मूव मार के 3 बंदों को अपने साथ बिजी रखा, उसका कोई फायदा हमारी टीम लेती ही नहीं है। और दूसरी बात, मेरे को इतना डीप चार्जिंग करना ही नहीं था, जिस वजह से मैं पिट गया। इसके बाद फिर से जब मैं बॉटम लेन में आया, ये तीनों बंदे भाई अलग ही एग्रेशन के साथ मेरे को टारगेट कर रहे थे। एक को मैं मार लेता हूँ, दूसरे को बजोल मार लेता है, तीसरा भाई मेरा ही नंबर लगता है, अजुमरिल मेरे को पेल देता है। ऐसे इसके बाद भी इन तीनों ने मेरे को टारगेट करके और एक बार पेला था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा गुस्सा हो जाता हूँ, एंड रिस्पॉन होने के बाद मैं अल्टी चला देता हूँ अजुमरिल पे। हाँ, जानता हूँ अननेसेसरी था, बट मजा आया इस पे यूनाइट चला के। देन मैं अपन इसके बॉटम बेस के आसपास से घूम ही रहा था कि तभी देखता ये सरीना एफके पड़ा है। अब इस मौके को कैसे जाने दे, सबसे पहले मैंने खुद स्कोर किया, एंड उसके बाद मैं अपने टीममेट्स को भी बुला लिया कि आओ यहाँ पे फ्री फंड का स्कोर करके जाओ। सरीना को बेस भेजने के बाद मैं और माचाम दबा के स्कोर करते हैं यहाँ पे। इसके कुछ देर बाद हमारे सारे टीममेट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाते हैं। हम फाइनली ओपोनेंट्स का बॉटम बेस खाली करते हैं, एंड उसके बाद सीजर एंड अजुमरिल के पीछे हाथ धोकर लग जाते हैं। अजुमरिल को तो हम लोग मार लेते हैं, लेकिन ये सीजर भाग जाता है मेरे से। अभी फाइनल से चालू थे, हमारा प्लान ये था कि हम लोग पहले तो बुश कैंप करेंगे, एंड ओपोनेंट्स आते तीनों मिलकर उनको मारेंगे। अभी तो ऐसे कैंप करके मारने का कोई स्पेसिफिक रीजन तो नहीं है, लेकिन इसमें मजा बहुत आता है। सामने वाले को 2 मिनट के लिए समझ नहीं आता कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ये लोग मार रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। ध्यान से देखिए इस गाचो में सीजर को, ये लोग कितना इनोसेंटली चल के आ रहे थे, लेकिन इनको क्या पता था हम लोगों ने इनके लिए अलग तरीके का फील्डिंग लगा के रखा है। इन दोनों बेचारों को बेस भेजने के बाद हम पांचों भूखे नंगे लग जाते हैं रिक्वायर्स मेल्ट करने के लिए, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी अपोजिंग टीम का पोकेमॉन दिख नहीं रहा था। हाँ, एक सरीना खड़ी तो थी, लेकिन बेचारी का किस्मत इतना खराब है कि उसका यूनाइट कोई भी ऑब्जेक्टिव पे काम नहीं करता है। सॉरी, रिक्वायर्स सिक्योर करते हम पांचों मिलकर सरीना को मारने लग जाते, क्योंकि उसने हमारे माचेम को हवा में उड़ा के लात कैसे मार लिया बे। इसके बाद हम लोग एक एक करके आके यहाँ पे स्कोर करने लग जाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे फोर आर्म्स का शील्ड टूट चुका था और वो स्कोर करने के लिए रो रहा था, हम चारों एलियंस यहाँ पे ना चाहते हुए भी फाइट करने लग जाते ताकि वो स्कोर कर पाए। बेचारे इस लुकारियों को तो देखो, वो तो भाई टूट गया। और फन फैक्ट, इस चालू सरीना को देखो, ये 2 मिनट बाद बाद आके अपना डैमेज बढ़ा के जा रहा था ताकि एमवीपी आ पाए, एंड फन फैक्ट वो एमवीपी आता भी है। इसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाते हैं अपने बेस को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि सामने वाले भी अपने फ्रेंड्स हैं, एंड ये एक चैलेंज है तो उनको खराब लगता है, इसलिए हम लोग चले आते हैं वहाँ से। बस ये सरीना वाला बंदा एक भूत मारी का, इसने पूरा मैच में मेरे को टारगेटिंग किया, देख लूंगा मैं इसको किसी दिन। एंड जस्ट लाइक दैट हम लोगों ने ओनली ऑलराउंडर चैलेंज के साथ इस मैच को भी जीत लिया। सो एट द एंड आई रियली होप कि तुम लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर तुम लोग को वीडियो देख के मजा आया ना, तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो डेली ऐसे वीडियोस और देखते रहने के लिए, क्योंकि मैं पोकेमॉन यूनाइट से रिलेटेड एंटरटेनिंग वीडियोस हर रोज अपलोड करता रहता हूं, तो तुम लोग को भी कुछ ना कुछ नया देखने को जरूर मिलने वाला है। वेल देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं तुम लोग को और एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट एंड टेक केयर।